तो चलिए आज हम ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को एक बहुत डिफरेंट स्टाइल में लुकिंग दे देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, ठीक है। तो आपने एम्ब्रॉयडरी के लिए ऊपर से स्टार्ट होते हुए जाना है, यानी कि नेक के पोर्शन से आपने इधर की ओर आना है, ठीक है। आप चाहो तो क्रॉच या नीडल की हेल्प से यहाँ पर चेंटाका भी दे सकते हो, जैसे मर्जी आप इसे ग्रेट गुड लुकिंग दे सकते हो। साथ में जो स्टिचिंग है इसकी, एक फ्रंट साइड में आती है ना, ठीक है, एक बैक साइड में आती है। मैंने कहा था ना ये टू पीस में बनकर रेडी होता है। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर बाजू है, ठीक है, बाजू मेरी 5 से 6 इंच। और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि ये जो बाजू बनती है ना, ये हमारे ईयर वाइज एज कितनी है, ठीक है। तो बेबी छोटी है तो कम रहेगा प्रोजेक्ट, बेबी बड़ी है तो बिग प्रोजेक्ट है। और स्ट्रेचनेबल किस तरह से बनेगा, यदि आप 2 प्लाई के धागे को ज़्यादा नंबर में बनाते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट स्मूथ बनकर रेडी होता है, ठीक है। और बाजू को कभी भी टाइट नहीं करना होता है ना। तो चलिए मैं बता लेती हूँ कि इसमें मैंने फंदे कितने डाले हुए हैं, और साथ में इसे चैट करने का तरीका भी बता लेती हूँ। इसे हमने यहाँ की, देखिए यहाँ की गुलाई मापनी है, ठीक है, देन यहाँ हमने उतने में ही अचैट करना है हमने, ठीक है। और उसके बाद राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ऐसे ही करते जाएंगे ना, उसके बाद हमारा फ्रंट और बैक बॉर्डर होगा रेडी। तो यहाँ पर मैंने 0 से राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड 35 35, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा रो लेने के लिए मुझे जो है 130 रो लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने जो है मीटर में, काउंटर मीटर में रो को मैंने काउंट करना है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम इसे प्लान प्लान करते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड करके पूरे के पूरे लेस करने हैं। देखिए यहाँ पर 130, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आराम हमारी रेडी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इक्वल्स में आपने इंच टेप का माप ले लेना है, ठीक है। और फिर ये दोनों रेडी कर दिए है, और मेरे जो ये इसके अंदर पास होंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आपके टॉप रेडी होगा। रिपीट कर रही हूँ कि आप एम्ब्रॉयडरी बैक और फ्रंट, और हो सके तो अगर आपका सेम कलर नहीं है, एक सिस ने कहा था मुझे व्हाट्सएप में कि मैम सेम कलर नहीं, तो आप यहाँ पर जो है अनदर कलर भी लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस धागों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जहाँ पर स्टिच किया हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ये भी 2 पार्ट्स में मेरे बॉर्डर बनेगी। तो चलिए बॉर्डर में कितने फंदे आएंगे मैं ट्रांसफ़र करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने फंदे जो है 130 लगा देने हैं, ठीक है। और डाइजेशन का विशेष ध्यान देना है। मेरा धागा यहाँ पर पहले ऑलरेडी बारीक है ना, ना टाइट हो ना लूज हो। तो चलिए यहाँ पर भी आपने अपने इच्छानुसार बॉर्डर की लंबाई कितनी देनी है, आप चाहो तो 5 से 6 इंच दे सकते हो, ठीक है। तो मैं मतलब 3-4 इंच देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बना लेते हैं ब्यूटीफुल बॉर्डर को। सेम बॉर्डर ऐसे ही बनेगा आपका, 2 फंदों में जो है धागा चढ़े रहेगा ना, ठीक है, एक आपका खाली रहेगा। तो चलिए इसी तरह से बना लीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह से ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हमारा रेडी होता है। ऊपर टॉप से देख लीजिए, और जो नीचे वाला सिरा हमारा जो निकल के आएगा, इसे हमने जो है पिनअप कर देना है जब हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है हो जाएगी, ठीक है, तभी बेस्ट बनकर आएगा। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। थैंक यू।